नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति से संबंधित प्रोत्साहन और दंडात्मक कार्रवाई अधिसूचित की है। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 92 करोड़ से अधिक टीके लगाए। भारत के रेटिंग आउटलुक को मूडीज ने नकारात्मक से स्थिर किया। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों से आज मॉनसून की वापसी शुरू हुई। दुर्गा पूजा उत्सव के प्रारंभ का प्रतीक महालय आज मनाया जा रहा है। हॉकी इंडिया ने भेदभावपूर्ण क्वारंटीन नियमों का हवाला देते हुए 2022 राष्ट्रमंडल खेलों से नाम वापस लिया और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदें बनाए रखी हैं। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। क्विज का आरंभ इस वर्ष 16 अगस्त से हुआ है। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, भारत का कौन सा शहर ब्रिटिश राज में ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में काम करता था और उसे पहाड़ों की रानी कहा जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है शिमला। ब्रिटिश सरकार ने सन 1864 में शिमला को औपचारिक रूप से ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। ब्रिटिश प्रशासन हर वर्ष अप्रैल से अक्टूबर के दौरान कोलकाता से ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला चला जाता था। इस शहर कई ऐतिहासिक आयोजनों का साक्षी रहा है, जिनमें 1945 में हुआ शिमला सम्मेलन भी शामिल है, जिनमें भारत के लिए स्वशासन की योजना बनाई गई थी। आकाशवाणी को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है और भाग्यशाली विजेता हैं चुनार उत्तर प्रदेश की अंजना। मेरा नाम अंजना है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की ओर से अमृत महोत्सव क्विज की विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का शुक्रिया अदा करती हूँ। आजादी के आंदोलन में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रही है, जिनमें झलकारी बाई, बेगम, हजरत महल आदि आजादी के मतवालों ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 11 अक्टूबर को प्रसारित किया जाएगा। आइए आकाशवाणी के अमृत महोत्सव क्विज के साथ आजादी के 75वें स्वाधीनता उत्सव में शामिल हों। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे।
इस दौरान 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को आज भू अधिकार अभिलेख वर्चुअल रूप से वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री सीहोर, हरदा और डिंडोरी में हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। प्रदेश के जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत 19 जिलों के 3,000 गांवों में भूमि अभिलेख पत्रों का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदा से कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन तकनीक के माध्यम से नक्शे का निर्माण और डोर टू डोर सर्वे कर अधिकार अभिलेखों का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक प्रदेश के 42 जिलों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। वहीं 24 ड्रोन 24 जिलों में कार्य कर रहे हैं। इनमें से 6,500 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना है। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस योजना का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि स्वामित्व योजना से ग्रामवासी अपनी संपत्ति का इस्तेमाल शहरी क्षेत्रों की तरह ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए कर सकेंगे। किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ के नागरिकों के पास जमीन और घर के प्रॉपर्टी राइट्स यानी ओनरशिप का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी। दुनिया के बड़े बड़े देशों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनों और घरों के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। आज हम भारत के 6,00,000 से अधिक गांवों में ड्रोन से मैपिंग कराकर करोड़ों लोगों को उनके घर और जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड देने में जुटे हैं। ये डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपर्टी पर विवाद कम करने के साथ ही एक्सेस टू क्रेडिट बैंक लोन तक लोगों की पहुंच बढ़ा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन और दंडात्मक कार्रवाई अधिसूचित की है। इस नीति में वाहन मालिकों को पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन देने तथा दंड से बचने की व्यवस्था की गई है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की रखरखाव और उनमें ईंधन की लागत अधिक आती है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रोत्साहन के रूप में ऐसे नए वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र शुल्क में छूट होगी जो किसी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र में वाहन जमा कराने के प्रमाण पत्र के आधार पर खरीदे जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि अगले वर्ष 1 अप्रैल से 15 वर्ष पुरानी कार के लाइसेंस के नवीनीकरण का शुल्क ₹5,000 और नए वाहन के पंजीकरण का शुल्क सिर्फ ₹600 होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे परोपकारी व्यक्तियों के लिए पुरस्कार योजना शुरू की है जो मोटर वाहन दुर्घटना में घायल हुए लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाएंगे। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना जैसी आपातकालीन स्थितियों में पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने में मदद के लिए लोगों को प्रेरित करना है। ये कार्यक्रम इस महीने की 15 तारीख से लागू किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 92 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कल 54,08,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक कुल 92,11,80,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय 2,52,902 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 97.93% है। दिल्ली में कल कोविड के 27 नए रोगियों की पुष्टि हुई और 76 लोगों को कोविड से स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राजधानी में फिलहाल 349 रोगियों का उपचार चल रहा है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। मूल्यांकन एजेंसी मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग को नकारात्मक से स्थिर के रूप में प्रोन्नत किया है। अर्थव्यवस्था के आउटलुक को स्थिर के रूप में बढ़ाने के मूडीज के निर्णय से पता चलता है कि वास्तविक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के बीच नकारात्मक फीडबैक का जोखिम कम हो रहा है।
ये कदम मोदी सरकार के सुधारों का समर्थन करता है। इससे नीतिगत कदमों का रचनात्मक प्रभाव पड़ेगा और तीव्र आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं पैदा होंगी। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति से संबंधित प्रोत्साहन और दंडात्मक कार्रवाई अधिसूचित की है। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 92 करोड़ से अधिक टीके लगाए। मूडीज ने भारत के रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर किया। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों से आज मानसून की वापसी शुरू हुई। दुर्गा पूजा उत्सव के प्रारंभ का प्रतीक महालय आज मनाया जा रहा है। हॉकी इंडिया ने भेदभावपूर्ण क्वारंटीन नियमों का हवाला देते हुए 2022 राष्ट्रमंडल खेलों से नाम वापस लिया। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदें बनाए रखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात में स्थानीय निकायों और गांधीनगर नगर निगम चुनाव के नतीजे गुजरात और भारतीय जनता पार्टी के बीच गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। श्री मोदी ने भाजपा को बार बार समर्थन देने के लिए राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 3 दिन की यात्रा पर कर्नाटक जाएंगे। राष्ट्रपति कोविंद कल चामराजनगर आयुर्विज्ञान संस्थान के नवनिर्मित शिक्षण अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू त्रिपुरा की 1 दिन की यात्रा पर आज अगरतला पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति का अगरतला स्मार्ट सिटी परियोजना का शुभारंभ तथा स्वयं सहायता समूह और स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन आज नई दिल्ली में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात करेंगी। सुश्री शर्मन 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। वे भारत अमेरिका द्विपक्षीय एजेंडा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की विदेश यात्रा के परिणामों पर चर्चा करेंगी। सुश्री शर्मन विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी मिलेंगी। भारत और जापान के बीच 3 दिन का नौसेना अभ्यास जीमैक्स आज से अरब सागर में शुरू हो रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य संचालन प्रक्रियाओं की साझा समझ विकसित करना और विभिन्न क्षेत्रों में समुद्री सहयोग के अत्याधुनिक तौर तरीकों के जरिए आपसी संचालन क्षमता बढ़ाना है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर आधारित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 पर इसे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 MHz पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इसी संघर्ष की झलक। 6 अक्टूबर की तारीख स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। आज के दिन 3 सेनानियों ने अंतिम सांस ली थी। ये तीनों सेनानी हैं परम सिवन सुब्बरायन, बाबा साहब भोसले और भोजराम कोलिता। परम सिवन सुब्बरायन न सिर्फ स्वाधीनता आंदोलन के सेनानी थे बल्कि राजनयिक और मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री भी रहे। सिवन का जन्म 11 सितंबर 1889 को तमिलनाडु में हुआ था।
प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। बाद में सुब्रायन ने लंदन यूनिवर्सिटी से LLB और डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज से LLD की डिग्री हासिल की। सुब्रायन ने मद्रास उच्च न्यायालय में वकालत भी की। उन्होंने जस्टिस पार्टी के सदस्य के रूप में अपना राजनैतिक जीवन शुरू किया। बाद में उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी और स्वराज्य पार्टी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विजयी हुए। 1922 में सुब्बरायन मद्रास विधान परिषद के लिए मनोनीत किए गए। वे 1926 से 1930 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे। सन 1933 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1937 में जब मद्रास प्रेसिडेंसी की सत्ता कांग्रेस के हाथ आई तो मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी की सरकार में सुब्बरायन को कानून मंत्री बनाया गया। सुब्बरायन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए। संविधान सभा के लिए वे मद्रास विधानसभा से चुने गए, जहां उन्होंने वयस्क मताधिकार, लोक सेवा, विधि के शासन और राजभाषा से जुड़ी बहसों में हिस्सेदारी की। 1949 से 1951 तक सुब्बरायन इंडोनेशिया में स्वतंत्र भारत के पहले राजदूत रहे। वो 1954 से 1957 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। सुब्बरायन 1957 में तिरुच्चनगोल से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, फिर 1962 में लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया। 6 अक्टूबर 1962 को सुब्बरायन का निधन हो गया। 1989 में उनकी जन्मशती के दौरान भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। आज स्वाधीनता सेनानी बाबा साहब भोंसले की पुण्यतिथि है। उन्होंने 1939 में पढ़ाई करते समय ही तब के प्रसिद्ध सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। वो 1941 से 1942 तक करीब 1.5 साल जेल में रहे। उनका जन्म 15 जनवरी 1921 को पश्चिमी महाराष्ट्र के सातारा में हुआ था। वे कानून में स्नातक थे। उन्होंने 1951 में कानून की शिक्षा पूरी करने के बाद 10 वर्ष तक सातारा में वकालत की। 1980 में भोंसले महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और बाद में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा संभाला। वो 1982 से 1983 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। तब उनके मंत्रिमंडल में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी शामिल थीं। उन्होंने बालिकाओं के लिए 10वीं तक मुफ्त शिक्षा देने की शुरुआत की। उनकी ही कोशिशों से बम्बई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ शुरू हुई। उन्होंने ही विदर्भ में गढ़चिरौली को नया जिला बनाया। भोंसले स्वाधीनता सेनानियों के लिए कल्याण कार्य शुरू करने में भी आगे रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने सेनानियों के लिए पेंशन योजना शुरू की। आज ही के दिन सन 1942 में स्वाधीनता सेनानी भोजराम कोलिता ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 21 सितंबर 1942 को वे तेजपुर में एक जुलूस में शामिल हुए, जो ढेकियाजुली गोलीबारी में शहीद लोगों की याद में आयोजित किया गया था। जब जुलूस चर्च परिसर में पहुंचा तो बंदूकों और लाठियों से लैस पुलिस ने लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने लोगों को सभा करने से रोका और निर्धारित मार्ग से तितर बितर होने के लिए 10 मिनट का वक्त दिया। भीड़ अभी बाहर जाने ही लगी थी कि पुलिस ने उस पर जबरदस्त लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आईं और इस घटना में 65 वर्ष के भोजराम कोलिता बुरी तरह से घायल हो गए। 15 दिन बाद 6 अक्टूबर 1942 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस कड़ी में आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज।
आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा, साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। आकाशवाणी समाचार के साथ मौसम विभाग का अनुमान है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई भागों से मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है। विभाग का कहना है कि देश के उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से मॉनसून वापसी की शुरुआत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी मॉनसून के बारे में अनुमान व्यक्त किया है कि दक्षिणी राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के बीच सामान्य बारिश होगी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई और कोलकाता में गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 10 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, अगरतला और गैंगटॉक में बादल छाए रहेंगे। एक या दो बार गरज के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आज महालय पर्व मनाया जा रहा है। महालय पितृपक्ष या श्राद्ध के अंत और दुर्गा पूजा उत्सव के प्रारंभ का प्रतीक है। आज के दिन बंगाल में लोग सुबह उठकर महिषासुर मर्दिनी का पाठ सुनने के बाद अपने पूर्वजों को भोजन और जल अर्पित करते हैं। आकाशवाणी ने आज सुबह विशेष कार्यक्रम महिषासुर मर्दिनी का प्रसारण किया। और अब खेल जगत की खबरें निखिल कुमार से। भारतीय हॉकी टीम अगले वर्ष बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लेगी। कोविड महामारी और भारत से आने वाले यात्रियों के साथ भेदभावपूर्ण क्वारंटीन नियमों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। भुवनेश्वर में होने वाले पुरुष जूनियर हॉकी विश्वकप टूर्नामेंट में इंग्लैंड द्वारा अपनी टीम न भेजने के फैसले के एक दिन बाद यह निर्णय आया है। हॉकी इंडिया ने कहा है कि कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित इंग्लैंड में अपनी टीम भेजने का खतरा नहीं उठाया जा सकता। आईपीएल क्रिकेट में कल रात शारजाह में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया। इस जीत से मुंबई के प्ले ऑफ दौड़ में बने रहने की संभावनाएं अभी भी बाकी हैं। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 90 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने मात्र 2 विकेट खोकर 8 ओवर और 2 गेंद में 94 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज शाम 7:30 बजे अबुधाबी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। समाचार सेवा प्रभाग के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित की जा रही है। आज का विषय है सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए रात 9:30 से 10 बजे तक जागरूकता श्रृंखला में वरिष्ठ चिकित्सक श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने अपनी सोशल मीडिया सेवाओं के करीब 6 घंटे तक बंद रहने के कारण दुनिया भर में 3 अरब 50 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को हुई कठिनाई के लिए माफी मांगी है। आंतरिक तकनीकी समस्या के कारण सोमवार रात फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के बंद रहने पर जकरबर्ग ने खेद व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है।
जी चंद्रिका, राष्ट्र सहारा के शब्द हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने 75,000 लोगों को आवास की चाबी सौंपी। अखबार ने साथ ही लिखा है, योगी सरकार अब छोटे मकानों की रजिस्ट्री केवल 500 रुपए में करेगी। अमर उजाला की सुर्खी है, प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार जो आवास देगी, मालिकाना हक महिला का होगा। दैनिक जागरण की खबर है, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को फिर लताड़ा। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, भारत ने कहा दुनिया को अस्थिर करने वाला आतंक का केंद्र है पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी घटना पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जांच के लिए सरकार ने 6 सदस्यीय समिति बनाई। अखबारों ने घटना से राजनीतिक हलचल पर अपने अपने विचार रखे हैं। 6 घंटे सोशल मीडिया बंद रहने के दौरान परेशानियों का जिक्र भी अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। जनसत्ता ने लिखा है, फेसबुक के संस्थापक जकरबर्ग ने माफी मांगी, फेसबुक को 6 घंटे में 52,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऐतिहासिक चार धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की संख्या से पाबंदी हटी, लेकिन कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन होगा। 3 वैज्ञानिकों को जलवायु संबंधी खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर लिखता है, सेल्फी लेने के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा हादसे होने की पिछले 10 साल की पड़ताल में भारत के बाद अमरीका और ब्रिटेन का स्थान है। अंतरिक्ष में दुनिया की पहली फिल्म की शूटिंग करने के लिए रूसी अभिनेत्री और निर्देशक के सोयूज अंतरिक्ष यान से रवाना होने की खबर भी दैनिक ट्रिब्यून ने चित्र के साथ दी है। जनसत्ता ने रोमांच शीर्षक से लिखा है, अंतरिक्ष में पहली बार लाइट कैमरा और एक्शन, सभी सदस्य अंतरिक्ष स्टेशन में 12 दिन रहेंगे। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, फिल्म यूनिट अंतरिक्ष में भेजने वाला रूस पहला देश। दैनिक जागरण की खबर है, अब वाहनों के दोबारा पंजीकरण में 8 गुना शुल्क लगेगा, अगले साल अप्रैल से शुल्क लागू करने का फैसला। नवभारत टाइम्स ने पहले पन्ने पर सुरीली पहल शीर्षक से लिखा है, एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन बदलने पर विचार, गाड़ियों में जल्द सुनाई देंगे हारमोनियम तबला जैसे हॉर्न। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति से संबंधित प्रोत्साहन और दंडात्मक कार्रवाई अधिसूचित की है। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 92 करोड़ से अधिक टीके लगाए। भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग को मूडीज ने नकारात्मक से स्थिर किया। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों से आज मानसून की वापसी शुरू हुई। दुर्गा पूजा उत्सव के प्रारंभ का प्रतीक महालय आज मनाया जा रहा है। हॉकी इंडिया ने भेदभावपूर्ण क्वारंटीन नियमों का हवाला देते हुए 2022 राष्ट्रमंडल खेलों से नाम वापस लिया। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराकर प्ले ऑफ की उम्मीदें बनाए रखी हैं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।